ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया। एक ही मारा और ये हाल हो गया। तू हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया? अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया। उस गदा के सामने अपनी आंखें चकनाचूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा तो अपने गैंग का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। अब ये गदा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। आज से हॉकी बन और गदा शुरू। ये बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गदा क्या है? कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, चेन बैच की छोकरियां आ रही है। चलो जरा डट के डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू कहा है को इस गदा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गदा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहब? कौनो गलत खबर दिया है साहब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो। तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गदा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके। बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता ही ने ना महाभारत पढ़ा है ना बी आर चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ड्रामे वाले गदा को हथियार डिसाइड किया इको? ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत? शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप। ये सब कहाँ गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबराकर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमानी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग भाग जीप इधर है। अरे जीप बाद में, पहले भाग। हट जाओ पीछे। अरे श्रीमानी। ओहो, मैं
ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो छोटा रावण? राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया और सवर्णा पैलेस भी डिसाइड किया। उस दिन तुम 1000 रुपया देने का वादा करके चले गए। मैं तुम्हारे इंतजार में रात भर वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा और सर्दी बुखार से बिस्तर पकड़ बैठा। पर ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मेरी छत से मेरे ऊपर एक बस बस इनकी तकदीर खुल गई और ये बन गए तकदीर वाला। हाँ, आज से मैं अपने मुकद्दर का मालिक हूँ, मुझे मेरी किस्मत मिल गई। पांडो ये ले 1,00,000 रुपए, मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके गुरु, अबे हम जाग रहा हूं या सपने में कोई फिल्म देख रहा हूं? खाली चाय पीने के लिए वो हमको 1,00,000 रुपया डिसाइड किया, मतलब ये कि वो रुपयों की लंका में रहता है। लता जी, ये क्या बात हुई? ड्रामे के लिए एडवांस लेकर अब आप कह रही हैं कि ड्रामे में काम नहीं करेंगी? मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल मैं एक दूसरा नाटक खेल रही हूँ। दूसरा नाटक? अपने आप को यमराज कहने वाले एक नाटकबाज को मुझे 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा और उसके लिए एक आदमी मुझे दिन का 1,00,000 रुपया दे रहा है। मगर क्यों? वो तो मुझे मालूम नहीं। चित्रगुप्त प्रभु, हमने भविष्यवाणी का पता चला लिया। वो कैसे प्रभु? अभी अभी उस सुंदरी को कहते सुना कि कोई व्यक्ति हमें उसके यहाँ रोके रखने के लिए 1,00,000 रुपया रोज का दे रहा है। वो कौन है प्रभु? है कोई एक व्यक्ति। एक व्यक्ति? हाँ, एक व्यक्ति। प्रभु, भविष्यवाणी न मिलने के कारण आपने अपनी शुद्ध बुद्धि खो दी है। प्रभु, इस पृथ्वी पर कई करोड़ व्यक्ति हैं, अब उनमें से वो एक व्यक्ति हमें कहाँ से मिलेगा? बस, अब तुम देखना हमारी बुद्धि का चमत्कार, ये लड़की हमसे प्रेम करने लगी है। हम इसे मोहब्बत के जाल में मछली की तरह फांस कर उसके मन से सख्त का मोती निकालेंगे और पता चला लेंगे कि भविष्यवाणी किस व्यक्ति के पास है। यू विश मी ऑल दी बेस्ट। नहीं नहीं, बस बस है? हेम क्रीम है? चित्रगुप्त, हेम क्रीम, हेम क्रीम। अरे मुसीबत क्रीम प्रभु, मुसीबत क्रीम। यदि भविष्यवाणी नहीं मिली तो आप और मैं आइसक्रीम की गाड़ी लेकर गली गली आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला बेचते नजर आएंगे। जम है हम, गो एंड सर्च द बुक। अरे फिर अंग्रेजी, ये अंग्रेजी मेरी जान खा रही है। आओ छोटे। बोलो मोटे। हम है हम, हम है हम, हम भी नहीं किसी से कम। देखो बालक, तुम्हारे पास जो भविष्यवाणी है वो प्रेम से हमारे हवाले कर दू ना। अकुम अकुम, मैं नहीं दूंगा। ए, हम प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो तुम हमारे सर पर तांडव करने लगे? सीधे से भविष्यवाणी हमारे हवाले कर दो, वरना इस गदा से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, टुकड़े कर दो, फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। करो टुकड़े करो। चित्रगुप्त, ये तुमने कैसी समस्या खड़ी कर दी है। प्रभु, ये कलयुग का मानव है, आसानी से नहीं मानने वाला। मैं इससे मीठी मीठी बातें करके बहला के फुसला के इस समस्या का हल निकालता हूँ। बालक बालक, यदि वो पुस्तक हमें नहीं मिली तो हमें यमलोक का त्याग करके भूलोक पर आकर रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वो पुस्तक हमें लौटा दो। अगर मैं लौटा दूं तो उससे मुझे क्या फायदा? प्रभु, ये बालक कह रहा है यदि ये पुस्तक लौटा दे तो इसको क्या लाभ होगा? उससे कहो उसे हम बहुत सारे वरदान देंगे। बालक, प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत सारे वरदान देंगे। अच्छा, तो उनसे कहिए कि वचन दे कि वो मेरी माँ के प्राण कभी नहीं लेंगे। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? ये बात तो हमारे बस में है। प्रभु प्रभु, मामला सेटल हो गया है। ये बालक पुस्तक देने के लिए राजी हो गया। अच्छा? है। हाँ, केवल आपको इसे एक छोटा सा वचन देना होगा कि आप कभी इसकी माँ के प्राण हरण नहीं करेंगे।
यह यम के धर्म के विरुद्ध है। उससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई और वरदान मांगे। महाप्रभु, सेम डिफिकल्टी सती सावित्री के केस में हुई थी, याद है ना? उस समय भी आप यही बात कह रहे थे, पति के प्राणों के अलावा, पति के प्राणों के अलावा मांगो। मगर उससे कुछ हुआ था? वो बात पुरानी हो चुकी है। इससे कहो माँ के प्राण के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगे। बालक, माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांग लो। मैं माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। चलो। प्रभु, मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे यम है हम है यम। चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा। देखिए प्रभु, ये आवश्यकता अपनी है। यदि एक जान छोड़ दे तो हमारा क्या जाएगा? चित्रगुप्त, हम दुनिया का कोई भी वरदान दे सकते हैं, केवल इसकी माँ के प्राण के अलावा। तो फिर आप एक काम कीजिए प्रभु, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, आप इसके पैर पकड़ लीजिए। यम है हम। तो फिर क्या करें प्रभु? आप कह रहे हैं कि माँ के प्राणों के अलावा कुछ और मांगो, वो कह रहा है कि माँ के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैटर कैसे सेटल होगा प्रभु? प्रभु, एक काम कर सकते हैं। क्या? इस बालक की बातों से पता चलता है कि इसकी माँ की आयु समाप्त हो चुकी है। यदि आप इसकी माँ के प्राण हरण कर लें, तो विवश होकर उसे पुस्तक देनी ही पड़ेगी। नहीं चित्रगुप्त, ये भी धर्म के विरुद्ध होगा। और जब तक हम भविष्यवाणी में झांक कर देख न लें कि किस मानव की मौत किस घड़ी लिखी है, तब तक हम इसकी माँ के प्राण लेने के अधिकार रखते ही नहीं है। महाराज, महाराज। छोटे, वो पुस्तक हमें दे दो, हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। नहीं, कभी नहीं दूंगा। अरे, कितना जिद्दी और हट्टी मानव है। चित्रगुप्त, इसको कोई लालच देकर वो पुस्तक इससे प्राप्त करो ना। प्रभु, आप ही बताएं मैं क्या करूं। क्या आप दोनों यहाँ से अक्कुम बक्कुम? क्या मतलब? वो कह रहा है हम दोनों इतनी हिम क्रीम खाएं। यम है हम। तो बाहर बढ़ाए कदम। पधारिए, पधारिए, इधर कुछ नहीं होगा। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। सूरज, मुझे लगता है ये भविष्यवाणी की किताब दूसरी जगह छुपाए। कोई जरूरत नहीं, यही रहने दे, किसी को शक नहीं होगा, यही सेफ है। चित्रगुप्त, इस मानव को कैसे फंसाएं, इससे भविष्यवाणी कैसे प्राप्त करें? मुझे भी कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं कर रहा है। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, रद्दी पेपर वाला। ए रद्दी वाला, क्या भाव खरीदोगे रद्दी? 3 रुपए किलो बाबूजी। 3 रुपए किलो? 10 रुपए खरीदोगे? नहीं बाबूजी, नहीं पड़ेगा। तो हमको भी कहाँ पर बढ़ेगा? रद्दी पेपर वाला। मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया सूझा है। यदि ऐसा है चित्रगुप्त, तो तुरंत चल पड़ो। रद्दी पेपर वाला, रद्दी किताब वाला, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 100 रुपए किलो रद्दी। अच्छा, वो मैंने उस रद्दी वाले को 10 रुपए में नहीं बेचा। अरे भाई रद्दी वाला, अरे जरा ठहर, मेरे पास बहुत सारी पुरानी किताबें और रद्दी है, अभी लाता हूँ। मानव, केवल तुम ही लोग चालाक नहीं हो, हम भी चालाकी जानते हैं। किलो भैया, 10 किलो। 10 किलो के 1000 रुपए निकालो। ये लो, ये लो। पूरे है ना? अरे अधिक भी है तो भी ले लो, सब ले लो। आइए छोटे बाबू, ये लो। ये क्या है? कमाल का रद्दी वाला मिल गया था, 100 रुपए में रद्दी खरीद रहा था। मैंने सारी रद्दी और पुरानी किताबें बेच दी। क्या? और वहाँ रखी थी वो किताब? सब बेच दी। अरे गोपाल काका, मुझे मरवा दिया, वो रद्दी वाले को गए, वो कितना टाइम हुआ? अभी अभी गए नुक्कड़। अरे पांडू, बाहर जल्दी। सूरज, अपनी भविष्यवाणी वाली बोरी दूसरे आदमी के पास पहुंच गई, अब क्या करेंगे?
कुंबकू फॉलो मी चलो अब बच के कहाँ जाएगा तू? हमें छोड़ दो, ये क्या खिलवाड़ है? चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। अरे चल, हमें छोड़ दो। अरे कहाँ ले आए आप? अरे ओके ओके, कहाँ ले आए? मुझे देखिए सर, ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट, गांजा क्या होता है? धूर्त, इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बैगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया, ये पुस्तक है, है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? तू? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई हैं खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। यमा! क्या कहा? यमा! ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते अम्मा, ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। तेरी यमा! यम है हम। आगे। अरे ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो हैं जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और, ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? प्रणाम प्रभु। प्रभु ये मुझे मार रहा है। प्रभु प्रभु हम इसको खोलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 100,000 सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दें, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या बात है सर, आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खोलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में लाख लाख सुए चुभोएंगे, मेरा सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर।